हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनीता देसाई का एक बहुत ही फेमस फिक्शनल नोवेल बाय बाय ब्लैकबर्ड, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो नोवेल है बाय बाय ब्लैकबर्ड, ये एक फिक्शनल नोवेल है जो कि अनीता देसाई ने 1971 में पब्लिश करवाया था। हालांकि ये जो कहानी है ये लंदन की कहानी है जो कि 1960s के टाइम की है। अनीता देसाई का जो लंदन टूर रहा था उस टाइम पे इनके जो एक्सपीरियंसेस है उसी बेसिस पर इन्होंने ये फिक्शनल नोवेल लिखा है। तो इस नोवेल का जो टाइटल है बाय बाय ब्लैकबर्ड, तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बर्ड है ब्लैकबर्ड जिसको बाय बाय किया जा रहा है। देखिए, बेसिकली ये ब्लैकबर्ड कोई बर्ड नहीं है। ब्लैकबर्ड शब्द इस नॉवेल में यूज किया गया है इमिग्रेंट्स के लिए। अब ये इमिग्रेंट्स क्या होता है? देखिए, इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो किसी दूसरे देश में रहने के लिए या फिर वहां पर कुछ काम करने के लिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इंडिया का कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में रहने के लिए कुछ दिन के लिए या फिर वहां पर काम करने के लिए चला जाए तो उसको हम कहेंगे इमिग्रेंट्स। ये कुछ हद तक माइग्रेंट्स भी हम इसको कह सकते हैं, है ना। तो इस नॉवेल के अंदर ये इमिग्रेंट्स कौन लोग हैं? बेसिकली देखिए, इसकी सेटिंग रखी गई है लंदन में। तो लंदन के अंदर जो इंडियंस जाते हैं या फिर जो एशियंस लोग जाते हैं उनको इमिग्रेंट्स कहा है। यानी कि ब्लैक बर्ड यूज जो शब्द है ये यूज हुआ है इमिग्रेंट्स के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस नॉवेल में करेक्टर्स कितने हैं। तो बेसिकली इसमें तीन मेजर करेक्टर है जिनके अराउंड ये पूरी की पूरी स्टोरी घूमती रहती है। पहला हमारा करेक्टर है देव। देव जो कि इंडिया से गया है लंदन में रहने के लिए। रहने के लिए नहीं गया है दोस्तों, ये गया है पढ़ने के लिए। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के लिए वहां पर गया हुआ है। अराइव इन लंदन फ्रॉम इंडिया। ये देव जो है, इसका एक दोस्त है अदित सेन, ये वहीं पर रहता है ऑलरेडी। कहां पर? लंदन के अंदर। ये इंडियन इमिग्रेंट है वहां पर। चलिए, अब ये जो अदित है ना, इसकी एक पत्नी भी है जो है सारा। सारा कहाँ रहती है? देखिए, सारा जो है ना ये ब्रिटिश वुमेन है, यानी कि ये वहीं पर रहती है लंदन में ही, और ये वाइफ है अदित सेन की। चलिए, ये तीन कैरेक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इस नॉवेल के कुछ प्लॉट के बारे में और इसमें क्या दिखाया गया है उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, इसकी समरी को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बाय बाय ब्लैकबर्ड बाय अनीता देसाई इज ए साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द इमिग्रेंट्स हु सफर ए मिक्स्ड फीलिंग ऑफ लव एंड हेट टुवर्ड्स द कंट्री ऑफ देयर एडॉप्शन। होता यह है कि ये जो तीनों लोग हैं ना, ये रहते हैं इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर। वहां पर होता यह है कि ये जो देव है ना, ये अभी गया हुआ है। यानी कि पहले से कौन रह रहा है वहां पर? अदित वहां पर पहले से रह रहा है। लेकिन होता यह है कि देव जो है, इसको इसके साथ वहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है, इसके साथ वहां पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता है दोस्तों। और जब भेदभाव इसके साथ होता है वहां पर, पार्शियलिटी इसके साथ होती है, तो उसको ये चीज पसंद नहीं आती है। यानी कि लंदन में जो इंडियंस लोग हैं ना, उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव वो लोग नहीं कर रहे। ये हम बात कर रहे हैं 1960s की। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो बड़े गर्व की बात है कि जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है वो एक इंडियन जो है कि मूल का ही एक व्यक्ति है, इंडियन ओरिजिन का ही एक व्यक्ति है ना, ऋषि सुनाक। चलिए, एनीवे, तो हम बात कर रहे हैं 1960s की। तो देव जो है, इसको वहाँ व्यवहार पसंद नहीं आता। यानी कि इंडियंस को कुछ भी कहकर वहाँ पर बुलाया जा रहा है, कुछ भी कहकर चढ़ाया जा रहा है। तो ये पूरी स्टोरी वहीं पर घूमती रहती है कि जो वहाँ पर इमिग्रेंट जाते हैं उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनका जो मेंटल स्टेटस है वो क्या रहता है उस टाइम पर, उनको नफरत झेलनी पड़ती है वहाँ के गोरों लोगों द्वारा। हालांकि सब लोग ऐसा नहीं करते, यानी कि ये लोग मिक्स्ड फीलिंग जो है कि सफ़र करते हैं। मिक्स्ड फीलिंग इन द सेंस कि कुछ लोग उन्हें प्यार भी करते हैं लेकिन कुछ लोग उनसे नफरत भी करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि इन बाय बाय ब्लैकबर्ड द ऑथर अनीता देसाई डील्स विद द ईस्ट वेस्ट इनकाउंटर। देखिए, बेसिकली इनकाउंटर्स का मतलब होता है मुठभेड़। यानी कि जो ईस्टर्न कंट्री है, ईस्ट में हम कह देंगे एशिया, ये एशिया महाद्वीप, अगर आप वर्ल्ड मैप को उठा के देखें तो एशियन जो कॉन्टिनेंट है ये आता है ईस्ट में, है ना। बेसिकली ये आता तो मिडल में है लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूएस ये ईस्ट में आता है और हमारा इंडिया भी ईस्ट में आता है। तो यहाँ के लोग और वेस्ट मतलब हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या, वेस्ट में हमारा हो गया यूएस, है ना। तो यूएस और इंडिया या फिर एशिया, इन लोगों के बीच का ये पूरा का पूरा स्टोरी है। तो उससे हमारा ऑथर, हमारी ऑथर डील करती है और ये स्टोरी हमें दिखाई गई है। ब्लैकबर्ड जो शब्द है, ब्लैकबर्ड यूज्ड इन द टाइटल इज नन अनदर देन द इमिग्रेंट। यानी कि इमिग्रेंट के लिए ये वर्ड यूज किया गया है।
होम लंदन सेज गुड बाय, और उन इमिग्रेंट्स को ही लंदन में क्या कहा जा रहा है कि गुड बाय, यानी कि तुम यहां से चले जाओ। देसाई हाइलाइट्स द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स एंड एक्सप्लोर्स द एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज दैट दे फेस इन इंग्लैंड। यानी कि जो अनीता देसाई है ना, ये वहाँ की जो लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर जो इनको मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर बसने में, उस चीज को यहाँ पर एडजस्ट करके इन्होंने दिखाया है। यानी कि इंग्लैंड में उस समय उनके सामने आने वाली कठिनाइयों की ये पड़ताल करती है, उनको ये हाईलाइट करती है। अब देखिए होता यह है कि अगर आप जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जिस शहर में रह रहे हो ना, आप जिस शहर में रह रहे हो वहाँ पर आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हो, चाहे आप घूमने जा रहे हो चाहे आप कुछ खाने जा रहे हो, है ना, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी बड़े शहर या फिर किसी दूसरे ऐसे शहर में जाते हो जहाँ पर आप कभी पहले गए नहीं हो, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाती है चीज़ें। यानी कि आपको वहाँ पर शिफ्ट होने में लगभग 2 से 3 दिन आपको लग ही जाते हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसी ही एक स्टोरी है वहाँ पर इन इमिग्रेंट्स की जो लंदन में बसने के लिए जा रहे हैं। द ऑथर गिव्स ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजी लंदन इन द क्वाइट रिटायर्ड लाइफ इन कंट्री साइड विच इज टोटली अपोजिट टू वन अनादर। देखिए जो लेखक है ना, इसने बहुत ही प्यारे तरीके से लंदन की जो बिजी लाइफ है उसको और जो ग्रामीण इलाकों में काफी जो सेवानिवृत्त लोग हैं यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं, उसका एक सुंदर जो है कि इन्होंने यहाँ पर विवरण किया है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों लाइफ एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। यानी कि गांव में जो सुकून है ना, वो शहर में कहाँ है, है ना, लेकिन शहर की जो चकाचौंध है, वो चकाचौंध में व्यक्ति कुछ समय के लिए रह सकता है, लेकिन असली सुकून तो गांव में ही है। ऑथर कहना चाह रहे हैं द कैरेक्टर्स आर नॉट सो रियल, यानी कि ये फिक्शनल कैरेक्टर है, रियल कैरेक्टर भले ही नहीं है, ये वास्तविक भले ही नहीं है, लेकिन बट देयर इनर फीलिंग इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्राइसिस रिमेन्स द सेम दैट एवरी इमिग्रेंट अंडरगोस। यानी कि पात्र भले ही इसके वास्तविक नहीं है, लेकिन जो इनका आंतरिक संघर्ष है ना, और इनका जो आंतरिक संघर्ष है, यानी कि वो यही है जो कोई भी इमिग्रेंट इस परिस्थिति से गुजरता है जब वो कहीं पर शिफ्ट होने के लिए जाता है। द ऑथर हैड डिवाइडेड द स्टोरी टोटली इन 3 पार्ट्स। इस स्टोरी को अनीता देसाई जी ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है अराइवल, दूसरा है रिविलेशन एंड परसेप्शन, और तीसरा है फाइनली एबंडनमेंट, यानी कि परित्याग। ठीक है ना, एबंडनमेंट मतलब होता है छोड़ना किसी भी चीज को या उसका त्याग कर देना। तो लास्ट में कौन, ये लोग लंदन को छोड़ देते हैं। अब कौन छोड़ते हैं आपको आगे पता चलेगा। द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटीफुल लंदन एंड द बिजी लाइफ ऑफ द पीपल देयर। यानी कि ऑथर ने जो लंदन की ब्यूटीफुल लाइफ है और वहाँ की जो बिजी लाइफ है उसको वहाँ पर दर्शाया है। अब देखिए हम पहला इसका पहला पार्ट जो है वो शुरू करते हैं, अराइवल। पिक्चराइज अदित एज एन एडमायर ऑफ इंग्लैंड बिकॉज ऑफ इट्स एनवायरमेंट, क्लब, कॉफी हाउस, बिल्डिंग एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है कि जो अदित है ना, अदित नाम का जो करेक्टर है, अदित सेन, ये काफ़ी प्रशंसा करता है इंग्लैंड की, है ना, क्योंकि वहाँ पर वहाँ का इन्वायरमेंट देखकर, वहाँ पर क्लब है, वहाँ पर कॉफ़ी हाउसेस है, वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। तो सीन दिखाया गया है कि अदित वहां पर जाता है। देव नाम का जो करेक्टर है, देव हु हैज कम टू लंदन फॉर हिज स्टडीज इन इकोनॉमिक्स हेट्स इंग्लैंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट। यानी कि वहां पर क्योंकि इन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज मतलब होता है निंदा करना, यानी कि इंग्लैंड के लोग इनकी निंदा कर रहे हैं, इसीलिए उसे पसंद नहीं है। लेकिन वो बेचारा पढ़ने के लिए गया है। क्या पढ़ने के लिए? इकोनॉमिक्स स्टडी करने के लिए गया है वो लंदन के अंदर। डिस्कवरी एंड रिकॉग्निशन, ये आता है सेकेंड पार्ट। इसमें क्या होता है, गिव्स द पिक्चराइजेशन ऑफ लंदन सिटी एंड द डिलेमा ऑफ इमिग्रेंट्स इन लंदन। यानी कि जो सेकेंड पार्ट है इसमें लंदन शहर के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ जो डिलेमा होता है इमिग्रेंट के साथ। डिलेमा मतलब ऐसी परिस्थिति जब व्यक्ति को समझ नहीं आए कि मैं ये करूँ या ये करूँ, जब कॉन्फ्लिक्ट वाली परिस्थिति बनती है उसे कहते हैं डिलेमा। नेक्स्ट आता है डिपार्चर, ये तीसरा पार्ट है। डिपार्चर में फाइनली को होता है क्या होता है, जो अदित और सारा है ना, ये फाइनली इंग्लैंड को छोड़कर कहाँ पर आ जाते हैं, हमारे प्यारे भारत देश में। तो ये इस स्टोरी में दिखाया गया है। चलिए आगे हम इसको और भी कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके लिए निकाली है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नॉवेल है ना, इसका जो जेनर है वो है फिक्शनल नॉवेल। थीम इसकी है लाइफ ऑफ इमिग्रेंट इन लंदन इन इंग्लैंड, और देयर आर 8 चैप्टर, यानी कि पूरे के पूरे नॉवेल में 8 चैप्टर है इसमें।
वर्ड गोल्डन मिका, एक शब्द यूज हुआ है गोल्डन मिका, जो कि लंदन को रिप्रेजेंट करता है। देव कॉल्ड लंदन ए जंगल सिटी, यानी कि देव ने शहर को क्या कहा है, ए जंगल सिटी। और एक जो स्कूल बॉय है ये देव को क्या कह देता है, ए वोग। ए वोग जो शब्द है ये यूज हुआ है देव के लिए, जो कि एक स्कूल बॉय ने बस का वेट करते वक्त कहा था। ये क्या मैं बोल रहा हूँ ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। यकीन मानिए इस नॉवेल की एक एक पॉइंट आपको कवर होने वाली है इस वीडियो में। अनिता देसाई बाय बाय ब्लैकबर्ड इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द ट्रॉमा ऑफ द डिसोलेशन एन एक्यूट सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड द पेन्स ऑफ एस्ट्रंजमेंट सफर्स बाय द मिलियंस ऑफ एक्साइल्ड इंडियंस हु ट्राई अनसक्सेसफुली टू बैलेंस देमसेल्फ बिटवीन होम एंड अब्रॉड। देखिए होता यह है कि वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर जो बाय बाय ब्लैकबर्ड नॉवेल में बताया गया है कि जो वहां पर लोग हैं ना वो ट्रामा में सफर कर रहे हैं, डिसोलेशन उन्हें पता ही नहीं है, वो इतने अकेला फील कर रहे हैं खुद को, वो फंस चुके हैं भंवर में, है ना। वो इंडियंस की ये बात कर रहे हैं जो एक्साइल्ड है, यानी कि जो जा चुके हैं कहाँ पर, लंदन जा चुके हैं, अपना घर बार छोड़ के अब्रॉड जा चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, उनकी बात यहाँ पर अनिता देसाई जी कर रही है। देव हु इज इन लंदन टू परस्यू हायर स्टडीज एंड ही वांट्स दैट व्हेन ही विल गो टू इंडिया ही विल हैव ए हायर डिग्री। यानी कि देव यहाँ पर क्यों आया है, देव ये चाहता है कि जब मैं इंडिया वापस जाऊँ ना तो मेरे पास एक हायर एजुकेशन की एक डिग्री हो मेरे पास, इसीलिए देव यहाँ पर आया है। He has high prejudice against English snobbery. यानी कि जो देव होता है ना उसको सबसे पहले स्टार्टिंग में एक पूर्वाग्रह, यानी कि पहले से वो अनुमान लगा लेता है कि यार जो इंग्लैंड में तो ऐसे लोग रहते हैं, लेकिन फाइनली उसको एक जॉब मिल जाती है ना, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की एक बुक की शॉप में। अदित जो कि बंगाल से बिलोंग करता है, ही हैज बिन लिविंग इन लंदन फॉर क्वाइट सम टाइम एंड कन्विंसेस हिमसेल्फ टू बींग कंटेंट विथ हिज न्यू लाइफ स्टाइल इन इंग्लैंड। यानी कि अदित पहले से ही बंगाल में रह रहा है और उसको वहां का लाइफ स्टाइल पसंद आ गया है, उसने खुद को कन्विंस कर लिया है कि अब मैं यहीं पर रहूंगा। अदित सेन स्टेट, अब अदित का एक स्टेटमेंट है, आई लव इंग्लैंड, आई एडमायर इंग्लैंड, आई कैन अप्रिशिएट हर हिस्ट्री एंड पोइट्री एस मच एस मैनी इंग्लिशमैन। यानी कि मैं इंग्लैंड से मोहब्बत करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, मैं उसको एडमायर भी कर रहा हूँ और उसको अप्रिशिएट भी करता है। इंग्लिश की जो हिस्ट्री है, इंग्लैंड की जो हिस्ट्री है वो उसको पसंद आती है। अदित इज ए सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंग्लोफाइल। अब देखिए दोस्तों जो एंग्लोफाइल वर्ड है ना ये यूज किया गया है, फाइल बेसिकली एक रूट वर्ड होता है जो कि यूज किया जाता है लव के लिए, है ना, फाइल मतलब होता है लव। तो देखिए एंग्लोफाइल का यहाँ पर मतलब है जो लंदन से प्रेम करता हो। तो अदित इज ए सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंग्लोफाइल हु टर्न इनटू हॉपलेस नॉस्टैल्जिक रिटर्नी व्हाइल देव इज ए सोन एंग्लोफोब हु टर्न्स इनटू ए होपफुल एंग्लिसाइड इनहेबिट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखिए होता यहाँ पर यह है कि जब ये नॉवेल स्टार्ट होता है उस टाइम पर देव जो है उसको इंग्लैंड पसंद नहीं आता है, लेकिन अदित उसको खूब पसंद करता है। लेकिन अदित के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, यानी कि कुछ नॉस्टैल्जिया हो जाता है। नॉस्टैल्जिया बेसिकली कैसा क्या होता है कि किसी चीज से लगाव, है ना, यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप 10 साल से किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको वो शहर छोड़ना पड़े किसी कारण से, तो आपको एक थोड़ा सा मन में अच्छा नहीं लगेगा। वो इसलिए क्योंकि आपको लगाव हो चुका था उस शहर से, क्योंकि आप वहाँ पर इतने सालों से रह रहे थे। तो होता दोस्तों यहाँ पर ये है कि अदित जो है ये वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता उस शहर को, है ना, तो इसे बड़ा दर्द होता है ना। अदित जो है बड़ा प्रेम करता है लंदन वालों को, बट हु टर्न्स इनटू हॉपलेस नॉस्टैल्जिया रिटर्निंग, यानी कि अपने ही अपने को जब धोखा देते हैं तो बड़ा दर्द होता है, मैंने आपको बताया था इसका मतलब। तो इसके साथ वही चीज़ हो जाती है, जबकि जो देव है उसको वहाँ के लोगों से डर लगता था पहले, लेकिन बट हु टर्न इनटू ए होपफुल, यानी कि अब जो है कि उसे वहाँ के जो लोग हैं उनसे प्यार हो जाता है और उसे वहाँ पर अच्छा लगता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है यहाँ पर यूज की जाती है। सारा, अब देखिए सारा का यहाँ पर कैरेक्टर दिखाया गया है। सारा क्या कहती है, अपरूटेड फ्रॉम कल्चर ड्यू टू मैरिज विथ इंडियन इमिग्रेंट ए वॉक। यानी कि देखिए ये जो वॉक है ना ये बेसिकली इंडियन इमिग्रेंट के लिए एक शब्द यूज किया गया है, ए ग्रेट लवर ऑफ इंडिया। यानी कि जो सारा है वो उसको कल्चर पसंद नहीं है इंडिया का, है ना, उसको जो है कि कहाँ का कल्चर पसंद है, उसको इंग्लैंड का ही पसंद है, लेकिन वो शादी कर लेती है किससे, एक ऐसे व्यक्ति से जो कि इंडिया का ग्रेट लवर है, है ना। और सारा किससे शादी करती है, अदित से। हर ओन पीपल इंसल्ट हर, शी इज कल्चरली एलिनेटेड
एलिनेटेड एंड हर मैरिज ऑब्लिक्स हर टू कीप टू द लोनलीनेस पथ। यानी कि होता है बेसिकली यहाँ पर यह है कि जो सारा है ना वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है ना। सारा जो है बिल्कुल सांस्कृतिक रूप से भी सबसे अलग थलग रहती है वहाँ, वह बहुत अकेली है, उसको यहाँ पर अच्छा ही नहीं लग रहा है। लेकिन अदित जो है, अदित विटनेसेस ट्रिगर्ड बाय हिज विजिट इन टू इन लॉज वेयर ही शोकेस इंडियन ट्रेड एन अनएक्सपेक्टेड आउटब्रेक ऑफ द इंडो पाक वार। ही डिक्लेयर टू हिज वाइफ, आई कांट लिव हियर एनीमोर, अवर लाइफ्स हियर हैव बीन सो अनरियल। यानी कि यहाँ पर होता यह है कि अदित अपने ससुराल जाता है, वहाँ पर इसकी इंसल्ट हो जाती है। यानी कि ये, क्योंकि सारा जो है उसकी इंसल्ट कहाँ पर हुई थी, सारा को अपने ही लोग क्या बोल रहे थे, यार तुमने किसी शादी कर ली है, तुम एक इंग्लिश मैन हो, मतलब इंग्लिश इंग्लैंड से बिलोंग करती हो, इंग्लिश वुमेन हो, और तुमने एक इंडियन से शादी कर ली, तो ये क्रिटिसाइज होती है यहाँ पर। अब ये अदित भाई साहब जब अपने ससुराल में जाते हैं ना, तो वहाँ पर इनकी इंसल्ट हो जाती है। यानी कि इनकी जब इंसल्ट होती है तो फिर ये सारा से कहते हैं आई कांट लिव एनी मोर, यानी कि मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकता। Our life here have been so unreal. हमारी ज़िंदगी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है कि unreal है, real नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर ये सारा को वापस कहाँ लेके आ जाता है, अपने ससुराल, यानी कि सारा के ससुराल, यानी कि इंडिया के अंदर। देव हेड द लेबल, देव को एक लेबल जो लगा है इंडियन इमिग्रेंट्स के ऊपर, जिन्हें कहा जाता है ए सेकेंड ग्रेट सिटीजन, और इन्हें कहा जाता है घुसपैठिया एन इंट्रूडर, उससे काफ़ी नफरत है, देव इससे हेट करता है। He feel like a stranger in England. उसको इंग्लैंड के अंदर स्ट्रेंजर जैसा फील होता है, जैसे कि वो बिल्कुल पराया है, उसका कोई अपना है नहीं वहाँ पर। In the beginning of the novel, Dev is confused between either to stay or return to homeland. यानी कि जब स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है नॉवेल के अंदर कि देव काफ़ी कन्फ्यूज रहता है कि वो इंग्लैंड में स्टे करे या फिर वो अपने घर वापस लौट जाए। एट द एंड ऑफ द नॉवेल ही इज़ वेरी हैप्पी, लेकिन एंड में हम देखते हैं कि जो देव है ना उसको बहुत अच्छा लगता है इंग्लैंड के अंदर, और वहीं पर वो सेटल होने के बारे में सोचता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, है ना, इसका फिक्शनल है। लाइफ ऑफ इमिग्रेंट्स इन इंग्लैंड, ये इसकी थीम है। 8 इसमें टोटल चैप्टर है। गोल्डन मी का एक शब्द यूज हुआ है लंदन के लिए। जंगल सिटी देव ने कहा है लंदन को, है ना। ए वोक किसको कहा है, देव को, एक स्कूल बॉय ने। और ब्रूस जो है ये एक पेट है, एक केट, मतलब ये एक पालतू केट है, किसकी, सारा की। अब देखिए दोस्तों होता यहाँ पर ये है कि कुछ स्टेटमेंट जो है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, आप उन स्टेटमेंट्स के माध्यम से हम इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसका रिटन टेक्स्ट कहीं पर मिलता नहीं है जनरली, ये बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद में इतनी चीज़ें मैं आपके लिए निकाल पाया हूँ। यू शुड गो मेट मेट When even school boys can call you names on the street, but what did you do? You laugh. You refers to. अब देखिए यहाँ पर ये जो you शब्द यूज हुआ है ना, ये किसके लिए हुआ है, ये हुआ है अदित के लिए। जेंकी इज ए सारास मेड, सारा की जो मेड है उसका नाम है जेंकीज। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, है ना, बस आपको ध्यान रखना है। मिस पीमेंट जूलिया कौन है, ये कलिक है सारा की, कलिक्स मतलब उसकी भाई बहन है ये। समर ए डॉक्टर, बेला एंड जजवीर, है ना, एनेस्थेटिस्ट, ये कौन है, माला आर फ्रेंड्स ऑफ अदित इन लंदन, ये लंदन में अदित की फ्रेंड है। फिलिप जो है ये वो एक स्कूल बॉय था जिसने क्या करा था, जो डिमांड इंडियन स्टाम्प फ्रॉम सारा, जिसने सारा से इंडियन स्टाम्प की डिमांड करी थी। ही इज ऑफेंडेड फॉर बींग कॉल्ड ए वोग, हियर ही रेफर टू देव। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।